साढ़े नाल बड़ा मतरेई मां वाला सलूक किया जाता है। जे राजीव गांधी के कातल है तो उन्होंने भी शायद रिहा कर दिता गया। 1984 दे विच 10 कतल उन्हें किए, उन्हें भी रिहा कर दिता गया। बंदी सिंघां दे रिहाई दे लई डिप्टी कमिश्नर दफ्तर अगे धरने अज लगाए जा रहे हैं। तां खासा रोस जाहर किया जा रहा है, खास तौर पर कि खास जिहड़ी सिख कौम है उन्हां दे नाल वितकरे क्यों किए जाते हैं, तो जिन्होंने अपनी सजावां पूरियां कर लिया ने उन्हां नूं रिहा क्यों नहीं किया जाता। इस वेले साडे नाल मौजूद ने विश्व प्रसिद्ध कमिश्नर जथा भाई गुरिंदर सिंह बैंका, भाई भगवंत सिंह सुरवेंट ते उन्हां दे साथी गलबात करांगे। बैंका साहब, की कहना चाहोगे अज रोस प्रदर्शन रोस धरने जिहड़े ने किए जा रहे हैं? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा रोस धरना जिहड़ा है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रधान साहब के हुक्म अनुसार समूह संगतां वालों किया जा रहा है कि जिहड़े बंदी सिंह सजावां आपदियां भुगत चुके ने उन्हां नूं रिहा किया जाना चाहीदा है। इस रोस विच सारे अज इत्थे पहुंचे आ और उस बोली सरकार नूं दसन वास्ते, सेंटर सरकार नूं दसन वास्ते इत्थे बैठे आ। सारे पंजाब विच जिथे जिथे भी सिख वसदा है उन्हां बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते असीं हर मोर्चा जिहड़ा भी लाउणा पएगा लावांगे। की कहना चाहोगे, हमेशा सिख कौम महसूस करदी कि उन्हां दे नाल वितकरा हुंदा है, उन्हां दे नाल जिहड़ा है हमेशा द्रोह कीता जांदा है? ये हमेशा ही साढ़े नाल बड़ा मतरेई मां वाला सलूक किया जाता है। जे राजीव गांधी के कातल है तो उन्होंने भी शायद रिहा कर दिता गया। होर एक बहुत 1984 दे विच 10 कतल उन्हें किए, उन्होंने भी रिहा कर दिता गया। पर साढ़े ये 30-30 साल तो 28-28 साल तो हिंदुस्तान की काल कोठरिया विच बैठे आ। असी दो दिन बाहर चले जाइए तो सारा परिवार फोन करता, बापू जी नहीं आए, परिवार कदों इकट्ठा होएगा? पर उन्हां दा किड्डा वड्डा जेरा है जिहड़े उत्थे बैठे ने। गुरु हरगोबिंद पातशाह बंदी छोड़ दाते ने। साडी सिख कौम की सारी अरदास है कि पातशाह जिवें ग्वालियर के किले विचों उन्हां राजियां नूं तुसीं रिहा कराया सी, वह परिवारों में आए सी, उन्हां शुक्र किया सी, अज भी ये उपराले हो रहे हैं सारी कौम की एक आवाज़। तो मैं समूह ढाडी कमिश्नर साहबाना कहांगा कि जिथे भी तुसीं गुरु गुरमत समागम में जाना है, जोड़ मेले पर जाना है, अंत में एक अरदास जरूर करनी है कि बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते कितने साढ़े मोर्चे लगे सन कि जिहड़े गुरधामां तो पंथ नूं विछोड़ा गया एक हो जाए। अज करतारपुर का लांघा खुल गया, अरदास विच बड़ी बरकत हुंदी है। ये भी साड़ी अरदास है कि बंदी सिंह भी अपने घर विच आउण। बहुत समय बाद मोर्चा पहली देखण नूं मिलिया, इस तो पहला अकाली दल ने बहुत सारे मोर्चे लाए सी, की मानते हो कामयाबी जिहड़ी है हासिल होएगी? गुरु साहब दे अगे कीती होई अरदास कदी भी विरथा नहीं जाती। एक कौमी अरदास आ, सारी पंथ वालों अरदास आ, ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहब ये कीती हुई अरदास प्रवान करनगे। साडे ओ वीर जेडे बंदी ने साडे सिंह वो छुट के बाहर आउणगे। रागी ढाडी हमेशा जेडे ने स्टेजां दा शिंगार हुंदे ने, लोकां नूं इतिहास तो जाणू करवाउंदे ने, किस तरीके की मुहिम की लोड़ है कि जी घर घर के एक मुहिम जी है बन के उभरे? अहीं कमिश्नर सभा साड़ी बहुत वड्डी सभा है, असी एक अपनी मीटिंग भी करांगे ते जिन्हें भी साढ़े बुलारे ने उन्होंने हर थां ते यही कहांगे कि जिथे आपां पंथ दा वडमुला इतिहास कह के मुरदा रूहां विच जीवन पा दिंदे आ, 400-500 पुराना इतिहास संगत दे सामने उन्हों न्यू करके पेश करदे आ, ते इह जिहड़ा वर्तमान इस वेले समां चल रहा है उन्होंने भी सारयां नूं लामबंद करके इन्हां दे हक विच हर थां आवाज़ उठाई जाऊ। दो शब्द ने बंदी सिंघां दे लई तुसीं कविता दे राहीं जिहड़ा निहाल कीता सी, दो लाइनां जिहड़ियां ने जरूर तुसीं कविता सी अध्याय पेश कीती सी, सिखां दे सिदक दियां लड़ियां नाल सिदक दे लड़ियां, इतिहास खालसे दा नहीं कोई कल्पत कड़ी कहानी, सिखी ने जन्म लिया तिखी तार तेग दे थानी, अनमान खालसे दा कई चमकौर वर्गियां गड़ियां, सिखां ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। आओ चल अमृतसर तो जी
पहुंचे गंग सर जैतो जत्थे। ये अज का नहीं हड़ा पुराना इतिहास है, अमृतसर तो ही जैतो दे मोर्चे गुरु के बाग दे मोर्चे शांतमई धरने लगते रहे तो असी अपनी मंजिल मकसूद दे पहुंच गए सां। ये भी मिशन सच्चे पातशाह कृपा करेगा सफल होएगा। चल अमृतसर तो जी पहुंचे गंग सर जैतो जत्थे विच वरदी गोली दे हासस बने सामने मत्थे। ਸੀ ਮੌਤ ਵਿਆਵਣ ਨੂੰ ਜੰਨਾ ਬਨ ਬਨ ਸੇਰੇ ਚੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਪੁੱਛੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸਾਕਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਖਦੇੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਡੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਗੜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਾਕਾ ਆਖਰ ਦੇ ਦਮ ਤਾਈ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਕਾ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਫਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘੋਖ ਤਰੀਖਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ 32-32 ਸਾਲ ਤੋਂ 27-27 ਸਾਲ 28-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।